बहुत जल्द राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक फिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम लालटेन है। वैसे राजद सुप्रीमो के पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लालटेन ही है। नमस्कार, एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बनी भोजपुरी फिल्म लालटेन बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है, जिसका ट्रेलर भी तैयार हो चुका है। आपको मालूम होगा कि लालू यादव को चाहने वाले इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। लोग उनके राजनीति से लेकर भोजपुरी और मगही अंदाज के भी कायल हैं। लालू यादव पर बनाए गए इस भोजपुरी फिल्म लालटेन में अभिनेता यश कुमार ने लालू यादव का किरदार निभाया है। उनका दावा है कि दर्शक इसे काफी पसंद करेंगे। बताया जा रहा है कि वो लालू यादव के किरदार में पूरी तरह डूबने की कोशिश किए हैं ताकि उनके अपने और राजद सुप्रीमो को चाहने वाले को ये पसंद आए। इस फिल्म में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रोचक और मनमोहक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। फिल्म में लालटेन में राबड़ी देवी की भूमिका में अभिनेत्री स्मृति सिन्हा नजर आएंगी। इस फिल्म में लालू यादव के छात्र जीवन की राजनीति से लेकर राबड़ी देवी संग वैवाहिक जीवन और फिर संघर्ष के दिनों की कहानी भी दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक के सफर को भोजपुरी फिल्म लालटेन में दिखाया जाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एबी न्यूज़।